आपके नजर में हिंदू की परिभाषा क्या है और हिंदुत्व क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि हिंदू इज द आर्ट ऑफ लाइफ। जी जी, हिंदू के लिए जो उन्होंने परिभाषा दी है वो आर्ट ऑफ लाइफ दी है। जी, तो आपके नजर में हिंदू कौन है और हिंदुत्व क्या है? देखिए, जो हिंदू शब्द है, हिंदू और हिंदुत्व में एक्चुअली बहुत ज्यादा अंतर है। मैं आपको बता दूं, मतलब ये मेरा अपना नजरिया है, मैं सर के नजर, मुझे नहीं मालूम सर के क्या उसमें वो होगा। एक्चुअली हिंदू जो शब्द है, हिंदू, अगर सिर्फ हिंदू की आप बात करेंगे तो हिंदू तो एक तरीके से हमें अपमान करने वाला शब्द है हिंदू, क्योंकि हिंदू जो शब्द दिया है वो दिया है मुस्लिम आक्रमणकारी जो हमारे देश में जब आए, तो उन्होंने जो हिंदू कुश था तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ लूट मार करने चलना है, तो उन्होंने कहा भाई उधर हिंदू कुश के तरफ चलना है, और वो वहाँ हिंदू रहते हैं, है ना। लेकिन जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व जो है वो एक विचारधारा है और एक जो जीने का एक तरीका होता है, सनातन धर्म को कैसे जीना है वो हिंदुत्व है। तो कैसे एक जो जीवन की पद्धति है वो हिंदुत्व है, और हिंदुत्व ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं, जो हमने ये जो हिंदू शब्द है, एक्चुअली मैं तो हमेशा सोचता हूँ हमारा रिलीजन सनातन धर्म है और हिंदुत्व हमारी विचारधारा है, तो हिंदू शब्द तो मुझे लगता है कि शायद मतलब क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने दिया हमें, एक तरीके से जैसे हम किसी को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं तो दूसरों ने दिया हुआ हमारे को है ये शब्द है, और ये करीब 1500 सालों से ये चीज़ हमें, ये शब्द हमें मिला है। तो अब मेरा यही कहना है हिंदुत्व, लेकिन हिंदुत्व देखिए जीने की पद्धति है जो कि सनातन धर्म के अकॉर्डिंगली विश्व की, इस धरती की जो लिविंग स्टाइल है वो सबसे पहला वो यही है। जी, एक्चुअली मैं आपको ओशो का एक प्रवचन बताना चाहता हूँ कि हम दरअसल सिंधु नदी के कारण सिंधु कहलाते थे, और क्योंकि जो अरबी थे या मुगल थे वो लोग स नहीं बोलते, ह बोलते हैं, तो सिंधु को हिंदू कर दिया गया। ये ओशो के अनुसार हिंदू का जन्म हुआ, हिंदू शब्द का। गौरव फ्रॉम न्यूज रूम पोस्ट इधर। या करण जी और आशीष जी, दो लोग से मेरा सवाल है जी। आपने जो ये फिल्म बनाई है हिंदुत्व, आज के दौर में इसकी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, क्यों ये आप समझते हैं कि जरूरी है फिल्म, आपको ये बनाना पड़ गया? आशीष जी से मेरा सवाल है कि आपने अपने किरदार से ऐसा क्या सीखा, और जब स्क्रिप्ट आई तो आपको क्या ऐसा जानने को मिला? इसके अलावा पूरे यूनिवर्सिटी में आप भगवा झंडा फहरा रहे हैं, तो क्या आप यूनिवर्सिटीज को भगवा में करना चाह रहे हैं, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? मुझे जरूरत यूं पड़ी क्योंकि मैंने देखा कि हिंदुत्व शब्द को मैला किया जा रहा है, उसका अपमान किया जा रहा है। न तो हमने कोई ट्विन टावर उड़ाया, न हमने किसी देश पे आक्रमण किया, न हमने किसी को अपने धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश की। उसके बावजूद हिंदू टेरर वर्ड निकला, इससे तकलीफ होती है। हिंदुत्व को देश विदेश में कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की, बल्कि यहां तक कहा गया कि हिंदुइज्म तो बड़ा पीसफुल शब्द है, हिंदुइज्म फॉलो करने वाले लोग बड़े पीसफुल होते हैं, हिंदुत्व फॉलो करने वाले लोग बहुत ही हिंसक होते हैं। अब तकलीफ तो होती है, इसलिए मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं, यह फिल्म नहीं, मैंने फिल्में तो बहुत लिखी हैं, बहुत बनाई हैं, टेलीविजन शोज लिखे हैं, बनाए हैं, लेकिन यह फिल्म नहीं है, ये मेरे दिल से निकली भड़ास है, मेरा गुस्सा है कि हाउ डेयर यू मलाइन समथिंग विच इज सनातनी, विच इज माई वे ऑफ लाइफ, जिसने हमें वेद दिए, पुराण दिए, मां गीता दी, अष्टवक्र की गीता दी, योग दिया, ध्यान दिया, और ध्यान में करता हूं,
मैं 20 साल से ध्यान करता हूं, तो आप उसका मजाक बनाएंगे? आप अपनी रोटी सेकने के लिए सियासत की, आप उस जड़ को जिससे मैं पला बड़ा उसे आप दूषित करेंगे? एंड द अदर थिंग इज दैट अगर हिंदुत्व को बदनाम किया जाएगा तो हिंदू भी बदनाम होता है, और हिंदू बदनाम होता है तो इसका मतलब है हिंदू हिंसक है। हिंदुत्व है क्या? हिंदुइज्म की लिटरल ट्रांसलेशन है। तो अगर आप हमारे देश को मलाइन करेंगे, बदनाम करेंगे, हिंदू को बदनाम करेंगे जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी है इस देश की, तो आपको नहीं लगता कि जो FDIs आ रही है हमारे देश में उन पर असर पड़ेगा? सो इट इज अ वे नॉट ओनली बिकॉज ऑफ रिलीजन, बिकॉज ऑफ परसेप्शन, बट इट इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स। सो दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस कंट्री बाई मलाइनिंग द वर्ड हिंदुत्व। तो मेरा ख्याल है मैंने आपको काफी वजह दे दी है कि मैंने ये फिल्म क्यों बनाई। आपके तीनों सवालों को फिर से प्रारंभ करता हूँ, जो आपने सर से भी पूछा उसका भी मेरी नज़र में जो मैं समझता हूँ बता देता हूँ। आवश्यकता तो मुगले आजम की भी नहीं थी, आवश्यकता तो गर्म हवा की भी नहीं थी। फिर जब मिशन कश्मीर की आवश्यकता नहीं थी, तो फिर जब कश्मीर फाइल्स बनती है तो आवश्यकता क्यों पूछी जाती है? फिर जब हिंदुत्व बनती है तो आवश्यकता क्यों पूछी जाती है? और सवाल सिर्फ यही है इस फिल्म का, प्रश्न ही यही है इस फिल्म का कि अब क्यों आवश्यकता पूछी जा रही है अगर हम हिंदुत्व बना रहे हैं? तब क्यों नहीं पूछी गई जब बाकी फिल्में बन रही थी? तब तो किसी ने आवश्यकता नहीं पूछी, तब तो कहा बड़ी अच्छी फिल्म है, देखते हैं चल के, इसको भी फिल्म देखकर समझ कर देख लीजिए। सो बात सिर्फ ये है कि हम फिल्मकार जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, हम हमारे सामाजिक और राजनैतिक सिनेरियो को दर्पण की तरह आपके सामने रखते हैं, और वो हमारी जिम्मेदारी है और हमारा अधिकार भी। तो हम हमारे अधिकार को प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जो हमारे आज का सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसे आप लोगों के सामने रखने की हिम्मत जुटा रहे हैं, और सवाल उस पर प्रश्न करने से बेहतर मैं ये समझूंगा कि यदि आप उसे थोड़ा सा अपलोड करें। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े फिल्मकार, इतने बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज में हिम्मत नहीं है भाई साहब कि शब्द के पास कुछ लिख भी पाए, और इतने बड़े मीडिया हाउसेज में हिम्मत नहीं है भाई साहब कि इसके फेवर में खुलकर बात तक कर पाए। तो अगर हम हमारी छोटे से प्रयास के साथ सामने आ रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसे थोड़ी सी तवज्जो देकर उसको थोड़ा सा अप्लॉज देंगे। दूसरी बात जो आपने पूछी कि भगवा झंडा लहराया जा रहा है पूरे यूनिवर्सिटी में, तो क्या भगवामय करना चाहते हैं? सवाल तब पूछिए जब यूनिवर्सिटीज़ में आज़ादी के नारे लगते हैं। किस चीज़ से आज़ादी चाहिए आपको? एक आज़ाद मुल्क में आप 1947 से रह रहे हैं, फिर किस बात से आज़ादी चाहिए आपको? और इस बात की खुशी मनाइए कि जब आज़ादी के नारे आप खुले में लगाते हैं कोई आपको रोकता नहीं है, भाई साहब वही आज़ादी होती है। जब आपको कोई नहीं रोकता खिलाफत करने से, जब आपको कोई नहीं रोकता डिसेंट से, और जब आपको इस बात की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो फिर वो एक तरफा नहीं होता, फिर वो दोनों तरफ से होता है। फिर जब उन्हें आज़ादी के नारे लगाने का पूर्ण अधिकार है, तो हमें हिंदुत्व बनाने का भी पूर्ण अधिकार है। फिर प्रश्न मत उठाइए। पाँच छह सालों के भीतर यानी क्या? 2014 के बाद ज्यादा हिंदुत्वमय हो गया, क्योंकि 2013 में अगर मैंने हिंदुत्व बनाई होती तो मुझे ये पूरा यकीन है कि सेंसर इसे बैन कर देता, और मैं बेवकूफ नहीं हूं। नहीं, मेरे माँ बाप मुझे इतना पैसा छोड़ गए, जबकि मतलब जो कुछ दिया उन्होंने ही दिया, और मैंने एक ऋण चुकाया है उनका ये हिंदुत्व फिल्म बना के, लेकिन इतना भी नहीं छोड़ा कि मैं उसे उड़ा सकता 2013 में। करण सर, राजेश फ्रॉम दिल्ली 19। करण सर राजेश फ्रॉम करण सर हियर। सर अभी हमने देखा कि जो कश्मीर फाइल आई थी
उसके बाद अनिल जी को काफ़ी थ्रेट्स मिली और उनको सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई। अनिल जी सर, विवेक जी, अनिल अग्निहोत्री जी को, सॉरी विवेक अग्निहोत्री जी, जी जी जी, उनको काफ़ी थ्रेट्स भी मिली और काफ़ी सिक्योरिटी उनको दी गई। तो क्या आपको नहीं लगता जब आपने फिल्म बनाई कि आपको भी इस तरह की थ्रेट्स मिलेंगी और इस तरह का आपने जो इनिशिएटिव लिया तो क्या डर नहीं लगा? और मेरा दूसरा सवाल सर ये है कि बॉलीवुड की काफ़ी सालों से हम एक पिक्चर देखते आते थे कि वो अरेबियन कंट्रीज़ को, खासकर पाकिस्तान, दुबई और जितनी कंट्रीज़ थी उनको ध्यान में रखकर और जिस तरह के हिंदुत्व के मजाक उसमें उड़ाए जाते थे, आप और विवेक जी ने जिस तरह से पहल की है, इस तरह से दूसरी फिल्म आप लेकर आए हैं, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड के अंदर ये बदलाव आएगा? जैसे आमिर खान जी की पिक्चर में दिखाया गया था कि एक टेररिस्ट को भी उन्होंने बड़ा सॉफ्ट दिखाया कि वो भी एक आदमी है, उसको बड़ा इंडिया के अंदर उसको वो मतलब जिस तरह से दिखाया गया था वो भी मतलब गलत था, लेकिन इस तरह से दिखाना, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड अब इसमें बदलाव आएगा और वो सुधरेंगे इसके बाद? मेरा ख्याल है आवाज़ तो बुलंद हो गई है पब्लिक की कि हम तुमसे नहीं तुम हमसे हो। बॉयकॉट #, और क्या है वो, ये है कि तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, हमारी मनमानी चलेगी, चाहे वो असरदार हो नहीं हो। मैं उसको ये नहीं कहता कि फिल्मों को बॉयकॉट का, जिसको नहीं देखना है नहीं देखिए, तो आपको 100, 200 रुपये, 300, 500 रुपये खर्च करने हैं तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। लेकिन ये जो हैशटैग बॉयकॉट चला है, इससे अब उनके कानों में आवाज़ पहुंच गई है कि हम उनसे हैं, हम पब्लिक से हैं। तो पब्लिक इस वक्त अपना हक जता रही है सिनेमा पे। पहले सिर्फ स्टार्स जताते थे, अब पब्लिक जता रही है। सिंहासन संभालिए भाई साहब, जनता आ रही है। काफ़ी अच्छा लगा ट्रेलर। इसमें ऐसा नहीं लगता कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का कुछ एक एजेंडा टाइप का जैसे जो है वो? मैं क्लियर कर दूं, वैसे एक वरिष्ठ नेता आरएसएस के, उन्होंने ये ट्विटर पे, वो मुझे बहुत ज़्यादा जानते तो नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी फिल्म का ट्रायल देख लिया मुंबई में जब मैं वहाँ नहीं था। उन्होंने ये क्लियर कर लिया कि ये इंसान न आरएसएस से है, न बीजेपी से है, न किसी पार्टी से है, न किसी कम्युनिटी से है, तो इन्होंने संगठन से, तो इसने अपने बलबूते पे ये फिल्म बनाई है, खुद अपनी सोच से ये फिल्म बनाई है। दूसरी बात मैं आपको ये कह दूं कि मैंने अगर ओशो को कोट किया, अगर मैं सतगुरु को कोट करूंगा, अगर मैं इस तरह के महान नेताओं को, नेता तो नहीं, गुरुओं को, धर्म गुरुओं को, चाहे वह रमन्ना महर्षि हो, तो अगर इनको कोट करूंगा तो मैंने अपना हिंदुत्व इनसे सीखा है। और अगर श्रेय जाता है इस फिल्म बनाने का, आपको चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे वो एक अलग बात है, तो वो इन धर्म गुरुओं को जाता है, ओशो को जाता है, सदगुरु को जाता है, रमन्ना महर्षि को जाता है, और इस तरह महागीता और अष्टवक्र गीता को जाता है। तो ये बात बहुत क्लियर है कि ये पॉलिटिकली नहीं बट इट इज सोशली मोटिवेटेड। और अगर उसमें पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है तो मैं क्या करूं, हमारे समाज से जुड़ गई है सियासत, तो जुड़ी है तो जुड़ी है, तो मैं तो पूरा आईना देखूंगा ना। मतलब आप अगर अक्स देखते हैं अपना आईने में तो वो तो पूरा ही आता है ना, ऐसा तो नहीं आता ये पार्ट नहीं दिखाई दे रहा, ये पार्ट दिखाई दे रहा है, फिर ये पार्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो ये पूरा जो मैंने देखा है उसका ये रिफ्लेक्शन है। नमस्कार, मैं अजय जैन, सच तक न्यूज से सर। लगातार मैंने बॉलीवुड में मूवीज में पंडितों को तिलक लगाकर कोई ना कोई अपराध करते हुए, तो जैसे आपने अभी हिंदुत्व के लिए या पहले कश्मीर फाइल्स, बीच में भी कई मूवीज आई, तो क्या ये प्रहार है या जैसे बॉयकॉट का रिजल्ट है, या ये कहें कि अब हिंदुत्व या सनातनी भी केवल एक बॉलीवुड का एक बिजनेस बनाने का जरिया बन जाएंगे? पहला ये मेरा तीखा सवाल है। दूसरा मैं साधुवाद करूँगा क्योंकि हिम्मत आपने खुद ही बताया कि सूरज को छूने के समान है, और लगातार बात सवाल आ रहे हैं आपके पास, तो वे सवाल इसीलिए आ रहे हैं कि चौंक रहे हैं आप लोग, ये चौंकाने वाली जो बातें हो रही हैं वो अभी क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपने बता दिया कि सेंसर बोर्ड उसको पहले बैन कर देता, आज बैन नहीं करेगा, तो दोनों ही बातों में कि जो 5 साल 7 साल की राजनीति में ये सब कुछ आप कर पा रहे हैं, क्या
2024 में ये नहीं रहा तो फिर आने वाला समय किस तरीके से देखेंगे? वो लोग ये फिल्म को बैन कर देंगे 2024 में अगर ये समय नहीं रहा। वो तब तक हमारा बिजनेस हो चुका होगा, हम कहेंगे जयराम जी की बहुत अच्छा किया आपने, हमारी फिल्म को फिर सुर्खियों में आप ले आए, हम बड़े खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा है, बाकी जो महादेव की कृपा। करण सर आप हाय, अभी आप जब भी इस तरह की फिल्में आती हैं तो माना यही जाता है कि ऐसी फिल्में बनाई नहीं जाती, बनवाई जाती हैं, तो ईमानदारी से बताइए कि आपको फिल्म बनाई है या बनवाई गई है? महादेव ने बनवाई है। अभी तो मैंने अपने धर्म गुरुओं के नाम भी ले लिए, बोल दीजिए बोलिए तो मैं 3-4 और धर्म गुरुओं के नाम ले लूं जिनके प्रवचन सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ हूं। और मेरा ये ख्याल है कि ये एक जो लोग इसे मैला करना चाहते हैं इस शब्द को, ये भी उनका एक प्रहार रहेगा कि ये फिल्म बनाई नहीं बनवाई गई है। तो ये मुझे लगता है कि उनकी रही है एक नेगेटिव नीति, बहुत शातिर लोग हैं वो, तो इसे काटने की कोशिश तो करेंगे, तो ऐसे ही सवालों से करेंगे। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट हूँ, बल्कि किसी दिन क्या है मैं ओशो का एक प्रवचन ही पूरा आपको सुना दूंगा। सर हाय हाय हाय, अभी आपने ट्रेलर, जब सर आपने कहा था कि ट्रेलर चलाइए ताकि कुछ गर्मी आ जाए, तो किस तरह की गर्मी चाहते थे? ताकि आप लोग कुछ सवाल जवाब कर सकें। तो यही तो गर्मी मैं चाहता था, मैं चाहता हूं कि वाद विवाद हो, मैं चाहता हूं कि चर्चा हो, मैं जानता हूं कि एक जख्म है समाज में और उसे छुपाने की ढकने की कोशिश की जा रही है। अरे जख्म होता है तो आदमी डॉक्टर के पास जाता है, उसे छुपाएगा तो वो और खराब होगा। तो ये एक जख्म है सोसाइटी में, आप सब जानते हैं इस बात से, सिर्फ मानते नहीं है। कम से कम इस मंच पे तो नहीं मानते, मैं मान चुका हूं, मैं इसलिए इस मंच पे ये ट्रेलर दिखाता हूं और मुझे पता है गर्मी पैदा होगी। अंकित मेरा सवाल आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ट्रेलर देखा उसमें आप थोड़े विलेन टाइप दिखाए गए हैं ट्रेलर में, ऐसा देख के लग रहा है। हाँ। तो आप इस किरदार को करने के लिए आसानी से मान गए थे या थोड़ा आपको टाइम लगा? नहीं, मुझे टाइम लगा, टाइम एज इन सिर्फ सोचने में कि ये जो हिंदुत्व वर्ड है, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी एक टाइम तक इसको बहुत ऐसे दिखता था कि एक कट्टर वर्ड है, जैसे सब लोग बोलते हैं, एक नेगेटिव इसके आसपास एक नरेशन चल रही थी। और जब मैंने अपने दोस्तों से भी डिस्कस किया वो भी काफ़ी भौचक्के रह गए कि हिंदुत्व कर रहा है तू, पागल हो गया है क्या, क्या होगा तेरे को पता है वो ये वो, तो काफ़ी मेरे दिमाग में भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। पर मुझे ऐसा लगता है मैं इन सब चीज़ों से बहुत अनजान था काफ़ी टाइम तक, क्योंकि मैं क्रिश्चियन स्कूल से बड़ा यानी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूं, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो करण सर की नज़रों से मैंने जब हिंदुत्व को देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत ही सुंदर चीज़ है, ये एक जीने का तरीका है। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हिंदुत्व, हम किसी भी, और मैं तो मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि हम किसी और जाति को या किसी समाज को हम कहीं डिमीन नहीं कर रहे हैं। समीर सिद्दीकी जो कैरेक्टर है वो सर को हमेशा एक ऐसा लीडर चाहिए था कि जो कहीं खड़े होकर बात करे तो पूरी दुनिया उसे सुने, ही शुड स्टैंड टॉल ऑलवेज फॉर हिज कम्युनिटी। और मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ, एक राजपूत फैमिली से हूँ, तो इस कैरेक्टर की स्किन में जाने के लिए मुझे डिफ़िकल्टी हुई। मैंने अपने मुस्लिम फ्रेंड से, जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा कि एक सीन में मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो मैंने उस चीज़ को जाना कि कैसे नमाज़ पढ़ते हैं, कैसे वजू अदा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो डिफ़िकल्टीज़ थी मेरे लिए इस कैरेक्टर के स्किन में जाने के लिए। पर जब मैंने एक बार हिंदुत्व को जाना तो मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे मैं अनजान था, बहुत सारे और लोग हैं जो अनजान हैं, उनको हिंदुत्व की सुंदरता देखना बहुत ज़रूरी है। और दिस इज द राइट टाइम कि हम, वो जो एक नेगेटिव नरेशन चल रहा है हर जगह, सब लोग हिंदुत्व यानी बात सब कर रहे हैं, एक मर्मरिंग हर जगह चल रही है पर कोई खुल के बात नहीं कर रहा, तो हमें करण सर की तारीफ करनी चाहिए कि उनके अंदर ये गट्स है कि हिंदुत्व को, और ये जो ट्रेलर है ये बहुत आम ट्रेलर नहीं है, ये बहुत हार्ड हिटिंग ट्रेलर है, हर इंसान के अंदर इतना दम नहीं होता कि इतना हार्ड हिटिंग ट्रेलर बना सके। तो ये करण सर की एक, इनके अंदर गट्स है कि मैंने आज ये मोर्चा उठाया है तो मैं इसे निभाऊंगा, एंड दिस इज जस्ट चैप्टर वन, तो कहानी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। हेलो मैम, करण जी, आपने हवस मूवी बनाई थी उसके बाद हिंदुत्व तो सोशल मीडिया अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए नहीं मुझे सिर्फ टिप्पणी करने दीजिए, सुनिए मेरे को एक मौका तो देंगे आप।
इन्होंने कहा आपने हवस बनाई उसके बाद हिंदुत्व, इन्हें याद क्या रहा, या हवस या हिंदुत्व। ये उमर भूल गए, मित्तल वर्सेस मित्तल भूल गए, मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी भूल गए, दिल जले भूल गए, दिल वाले भूल गए, कयामत भूल गए, गर्लफ्रेंड भूल गए। तो अब ये मेरे पर नहीं, ये तो आप पर एक टिप्पणी है। करण सर मेरा सवाल, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं। वो ही ये मैंने नहीं कहा। हेलो मैम, मेरा सवाल आपसे है, जैसे आप इस फिल्म में कहते हुए दिखाई, मतलब ट्रेलर में हमने देखा है कि आप प्रश्न कर रहे हैं कि हिंदुत्व क्या है, तो इस पर आपका क्या टेक है और आपके किरदार के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले जब मैं करण सर को पहली बार मिलने गई उनके ऑफिस, मुझे बस ये पता था कि करण सर ने मुझे एक फिल्म की मीटिंग के लिए बुलाया है। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था, ना मुझे फिल्म का टाइटल पता था। आई वेंट देयर और सर ने सबसे पहले मुझे गाने सुनाए, तो गाने सारे ही बड़े प्यारे थे। आई हर्ड हिंदुत्व द टाइटल ट्रैक ऑल्सो, और बड़ा अच्छा लगा सुन के। फिर सर ने बाद में मुझे बताया कि इस फिल्म का टाइटल हिंदुत्व है, तो मैं थोड़ी सी झेंप सी रह गई बिल्कुल, कि हिंदुत्व सर, आप क्या क्या बताना चाह रहे हैं, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। उस समय पे, ये आज से मैं 1.5 साल पहले की बात कर रही हूँ, डेढ़ साल, हाँ, मैं उन लोगों में से हूँ जो एक बहुत ही प्रोटेक्टेड से एनवायरनमेंट में रहते हैं, और मुझे ना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, और मैं बहुत ओपनली ये चीज़ एक्सेप्ट कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि हमारा सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सिनारियो क्या चल रहा है। मुझे बस इतना पता था कि हिंदुत्व कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि यू नो, जब आप हिंदुत्व सुनते हैं तो कुछ दलों के नाम याद आते हैं, कुछ यू नो ऐसा कुछ याद आता है, तो जहन में आता है। फिर सर ने मुझे पूरी स्टोरी नरेट की, और उस स्टोरी में मुझे ऐसा कुछ भी कंट्रोवर्शियल, कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा। इनफैक्ट इफ एनीथिंग इट वाज मोर लाइक एन अवेकनिंग फॉर मी। मेरे दिमाग में ये ऐसा था कि मैं इतने टाइम से विच रॉक वाज आई लिविंग अंडर, मतलब क्या 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 हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता था। सर से बात हुई, उसके बाद घर गई, पापा से बात की, अपने चाचा जी से बात की, सबसे बात की, तो ना कई सारी कहानियां सामने आईं कि कैसे मेजॉरिटी होने के बावजूद भी इस देश में अगर हम गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। आज मेरा स्टांस ये है, ये फिल्म करने के बाद, कि आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू, और मैं गर्व से कहती हूँ कि आई एम अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक हिंदुत्व। करण सर जी, वो प्रश्न मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि अभी आपको स्टोरी गिव अवे नहीं करूँगी, बट नैरेटिव के हिसाब से जो मेरा किरदार है सपना, वो एक NRI लड़की का है, और शी हैज़ अ वेरी सेक्युलर आइडियोलॉजी टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द फिल्म, और ये फिल्म उसकी जर्नी है हिंदुत्व का असली मतलब डिस्कवर करने की, जो रियल लाइफ में भी हो गया मेरे साथ। मेरा सवाल है, नमस्कार, पहले तो आपको बहुत बधाई हिंदुत्व बनाने के लिए, और पोस्टर आपका बहुत अच्छा है, इसमें एक जो हिंदुत्व का दिखाया आपने कि इसमें जनेऊ पहने हुए है जो इसके अभिनेता है, तो ये क्या जनेऊ पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करता है, या क्या सोच के आपने ये पोस्टर लॉन्च किया? जी, ये ना बहुत बड़ी एक गलत फहमी है लोगों को। देखिए, मैं खुद एक पंडित परिवार से आता हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैंने आज तक जनेऊ नहीं पहना। जब मेरी शादी हुई तब मेरा जनेऊ संस्कार हुआ और तब मुझे जनेऊ पहनाया गया। ये जनेऊ को लेकर जो गलत फहमी है ना, ये बहुत ही बुरी तरीके से फैलाई गई है। क्षत्रिय भी जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ पहनना 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता था। जब हम गुरुकुल में पढ़ाई करते थे तब हमको जनेऊ पहनाया जाता था, और ये हमारी शिक्षा और दीक्षा का हिस्सा था। उसको बाद में किस तरह से गलत तरीके, यही बात है जो आप कह रहे हैं ना, प्रतीकात्मक जो चीज़ें थी हमारी, उनको गलत तरीके से नैरेटिव बना बनाकर इतना तोड़ा मरोड़ा गया है सदियों से, सालों से, कि उसका अब एक बहुत ही कुचला और अगली रूप बनाने के लिए हमने उसको आमादा हो गए हम लोग सब।
पर ऐसा क्यों? और यही हम देखिए ना, आपने सवाल पूछा ना, यही है वो सिंबोलिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं और जो सर ने बहुत ही बारीकी से उस चीज़ को समझा है। हिंदू को हिंदू के खिलाफ करने की जो मुहिम है ना, ये बहुत सदियों से चली आ रही है। क्यों? क्योंकि जब जब हिंदू अपने दूसरे हिंदू से अलग हुआ है, हम गुलाम हुए हैं, और जब जब एक हिंदू दूसरे हिंदू के साथ खड़ा हुआ है, हमने आज़ादी प्राप्त की है। हम बहुत बात करते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान गंगा जमुना जमनी हमारी तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब बनानी पड़ी ना, बनाई किसने? वो हिंदुओं ने बनाई। हमारा जो देश है बहुत जवान देश है, बना विभाजन के ऊपर है, वो हमारी सच्चाई है कि हम एक विभाजित देश हैं। हमारी आधी संख्या उस पार है जो भी हिंद की ही धरती के वासी थे, आज भी हिंद ही की धरती के वासी हैं, भले ही हम उन्हें किसी भी नाम से पुकार लें। हम उसी सिंधु घाटी सभ्यता के वंशज हैं और वो भी उसी सिंधु घाटी सभ्यता के वंशज हैं, पर बिकॉज आतताई आए, इतने आतताई आए और उन्होंने इतनी सारी चीजें हमारे साथ कर ली क्योंकि हम सहिष्णु थे। और अगर हमें आगे विश्वगुरु बनना है और अगर हमें अब फिर से विभाजित नहीं होना है, एक रहना है, तो हमको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कि हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना है। हम आजकल मनुस्मृति का नाम ले लेंगे, कुछ भी बना देंगे और उसका एक नैरेटिव बिल्ड कर देंगे और बोल देंगे कि भाई साहब आप तो अलग हैं, हिंदू को हिंदू से अलग कर दिया गया है। अगर हम एक साथ खड़े हैं भाई साहब, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो हमें छू भी सकता है किसी भी तरह से, और हमेशा हमको इसी बात से अलग रखा गया है डिवाइड करके। बहुत सीरियल आपने बनाया जिनका टाइटल है, कहीं ना कहीं टाइटल है और वो पहचान में भी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हिंदू शब्द आपने कौन सी डिक्शनरी में लिखा है? हिंदू एक भाषा है, पहचान है, आदमी की पहचान है या समाज की पहचान है? थोड़ा सा ये मुझे क्लियर करें। जहाँ तक इतिहास मुझे पता है, हिंदुत्व शब्द वीर सावरकर से जन्मा है, शायद उससे पहले जन्मा हो, लेकिन जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म कहां से आया? शैली है ना। तो हिंदुत्व क्या है? उसका लिटरल ट्रांसलेशन है हिंदुइज्म का हिंदुत्व। हिंदू धर्म तो नहीं हो सकता हिंदुइज्म का ट्रांसलेशन, क्योंकि ये धर्म तो है ही नहीं। तो मैं तो कह रहा हूं धर्म है ही नहीं। मैंने कौन से धर्म की बात कर ली पिक्चर में? मैं तो धर्म गुरुओं की बात कर रहा था। क्या बता सकता हूं मैं? तो बता दिया आपको कि भाई एक हिंदुइज्म अगर हो सकता है, आप या तो ऑक्सफर्ड डिक्शनरी को वो कर लीजिए चैलेंज,